नमस्कार, न्यूज 18 मध्य प्रदेश छत्तीसगढ़ आप देख रहे हैं और आपके साथ मैं हूं अंशिका पाठक। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद कांग्रेस के प्रवक्ता राधिका खेड़ा ने एक और ट्वीट किया है। उन्होंने ट्वीट कर भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर तंज कसा। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर उन्होंने लिखा कि दुशील को लेकर कक्का का मुंह एक लड़की की इज्जत से बढ़कर है, लेकिन लड़की हूं, लड़ रही हूं, मर्यादा पुरुषोत्तम प्रभु श्री राम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। तो राधिका खेड़ा का ये ट्वीट आप देख रहे हैं, ये पोस्ट जो उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर किया है और कहा कि लड़की हूं और लड़ रही हूं। राधिका खेड़ा ने तंज कसा, भूपेश बघेल को लेकर भी उन्होंने कहा और साथ ही उन्होंने श्रीराम का भी नाम लिया और कहा कि श्रीराम जी के ननिहाल में दीदी का स्वागत है। राधिका खेड़ा जो कि लगातार सुर्खियों में बनी हुई है और अब उन्होंने कांग्रेस नेता सुशील आनंद शुक्ला से विवाद के बाद एक ट्वीट, एक पोस्ट सोशल मीडिया पर किया है। इसमें उन्होंने भूपेश बघेल और प्रियंका गांधी पर तंज कसा। सूरजपुर पहुंचे छत्तीसगढ़ बीजेपी प्रभारी नितिन नवीन ने राधिका खेड़ा दुर्व्यवहार मामले में प्रियंका गांधी पर निशाना साधा। उन्होंने कहा कि जो बेटी होने का, महिला होने का दम भरती हैं, वो अपने पार्टी के महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती। तो छत्तीसगढ़ के मां बेटी और देश के मां बेटी को क्या सुरक्षित करेंगी, नितिन नवीन ने हमला बोला है। और राधिका खेड़ा जिस तरीके से ट्वीट कर रही है उसको आधार बनाते हुए उन्होंने कहा कि जो अपनी ही पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख पा रही, वो देश की मां और बेटी को क्या सुरक्षित रखेंगी। यही कहूंगा, इसके पहले भी जब यहाँ कांग्रेस के राष्ट्रीय अधिवेशन हुए थे और प्रियंका आई थी, उस समय भी महिलाओं के उत्पीड़न का मामला आया, उन्हीं के अंगरक्षक के द्वारा आया और काफ़ी चीज़ें आप लोग के ध्यान, जब उनके यहाँ रेड कारपेट स्वागत किया जा रहा था उस समय भी उन्होंने महिलाओं का अपमान किया और आज उनके पार्टी में फिर से एक मामला आया है और उनके राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ महिला उत्पीड़न का विषय और महिलाओं का अपमानित करने का विषय आ रहा है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है कि जो बेटी बनने का प्रयास करती हैं, जो महिला होने का दम भरती हैं, वो अपने पार्टी की महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख सकती। तो राधिका खेड़ा के साथ दुर्व्यवहार के मामले में डिप्टी सीएम विजय शर्मा ने कहा कि कांग्रेस पिछले 5 सालों में अलग थलग पड़ गई है। कांग्रेस पार्टी नारी का सम्मान भूल चुकी है। पार्टी से दुर्व्यवहार या बुरे समय में ही उन्हें श्रीराम याद आते हैं। आज भगवान श्री राम का ननिहाल याद आ रहा है। नहीं, मसला ये है कि भगवान राम की याद तभी आती है उन लोगों को जब विपत्ति सामने आती है। राधिका खेड़ा जी, क्या बीजेपी में शामिल होने की कुछ प्रयास कर रहे हैं या फिर ऐसा बीजेपी का कुछ है जो राधिका खेड़ा को बीजेपी में शामिल करने की? मैं बिल्कुल इस बारे में ऐसा कुछ भी कहना गलत होगा, मैं बिल्कुल इस बारे में कुछ नहीं जानता हूँ। मैं सिर्फ ये मसला जानता हूँ कि रायपुर में जो कुछ हुआ था वो दुर्भाग्यजनक था और यह सच है कि एक महिला होती हैं अगर तो उनका थोड़ा आपको अतिरिक्त सम्मान और अतिरिक्त आपको ध्यान रखना ही पड़ता है और वो रखना चाहिए, सबको एक जैसे आप नहीं ट्रीट कर सकते भाई। कुल मिला के कांग्रेस जो है महिलाओं की सम्मान करने के लिए चूक रही है? नहीं, तो सदैव उन्होंने ऐसा ही किया है, सदैव ऐसा ही। तो राधिका खेड़ा के मामले में वित्त मंत्री ओपी चौधरी ने भी सोशल मीडिया पर ट्वीट किया है। ओपी चौधरी ने लिखा कि प्रियंका गांधी को आपको अपनी पार्टी ही राष्ट्रीय प्रवक्ता राधिका खेड़ा के लिए लड़ाई लड़नी चाहिए। वो रो रो कर अपने साथ हुए दुर्व्यवहार की शिकायत कर रही हैं, कहीं कोई सुनवाई नहीं हो रही। आखिर एक बहन की इज्जत से बढ़कर कौन सा मोह आड़े आ रहा है? न्याय और माता बहनों के सम्मान की जुमलेबाजी यहां नहीं चलेगी, क्योंकि जनता जनार्दन सब जान चुकी है। तो दुर्व्यवहार के मामले में छत्तीसगढ़ के मंत्री केदार कश्यप ने राधिका खेड़ा को कानूनी मदद देने की बात कही। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर केदार कश्यप ने लिखा कि कांग्रेस के राष्ट्रीय प्रवक्ता के साथ दुर्व्यवहार की घटना निंदनीय है, आपको कानूनी मदद दी जाएगी। आप रायपुर के किसी भी थाने में शिकायत या FIR दर्ज करें। प्रदेश में बीजेपी की सरकार है, जो भी महिलाओं के लिए कानून का राज स्थापित करती है उसके तहत आगे की कार्रवाई की जाएगी।
तो राधिका खेड़ा मामले में बीजेपी ने जारी किया है कार्टून और कार्टून के जरिए कांग्रेस पर निशाना साधा, कांग्रेस को घेरा और कहा कि महिला विरोधी है कांग्रेस, मानसिकता को लेकर निशाना साधा। पोस्टर में लिखा है सुकन्या से लेकर राधिका खेड़ा तक सबने देखी कांग्रेस की महिला विरोधी मानसिकता। इस तस्वीर के जरिए बीजेपी ने निशाना साधा है कांग्रेस पार्टी पर और पोस्टर के जरिए कांग्रेस को घेरा गया और कहा कि मानसिकता कांग्रेस पार्टी की दिखाई दे रही है। राधिका खेड़ा जो कि एक तेज तर्रार प्रवक्ता के तौर पर कांग्रेस की जानी जाती थी, आज वही दुखी है, ये मानसिकता दिखाती है कांग्रेस पार्टी की। रायपुर में राधिका खेड़ा से दुर्व्यवहार पर सियासी पारा चढ़ गया है। कांग्रेस के पूर्व महामंत्री अरुण सिसोदिया ने एक पत्र लिखा है, मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीपक बैज को एक पत्र लिखा है, उसमें सुशील आनंद शुक्ला को पार्टी से बर्खास्त करने की मांग की गई है। सुशील आनंद ने कहा कि कृत्य पार्टी को नुकसान पहुंचाने वाला है, राधिका खेड़ा मामले की जांच के लिए समिति गठित हो। सुशील आनंद की तरफ से एक पत्र लिखा गया है और इसमें मल्लिकार्जुन खड़गे, राहुल गांधी और दीपक बैज को यह कहा गया है कि इसकी जांच हो। चिरमिरी में ज्योत्सना महंत से जब राधिका खेड़ा के मामले पर मीडिया ने सवाल पूछा तो वो बचती हुई नजर आई। राधिका खेड़ा के पोस्ट पर उन्होंने कहा कि नो कमेंट, ये सब फालतू की बात है, अभी मुझे चुनाव लड़ना है। महिलाओं के सम्मान को लेकर ज्योत्सना महंत ने कहा कि कांग्रेस ही महिलाओं का सम्मान करती है। खेड़ा जो है और सुशील आनंद शुक्ला का जो मामला चल रहा है, ठीक है, नो कमेंट्स, मैं कुछ नहीं कहूंगी, मेरे को अभी चुनाव लड़ना है। उन्होंने पोस्ट किया, राधिका खेड़ा जी ने पोस्ट किया है कि काका के ऊपर उन्होंने आरोप लगाया है। अरे सब फालतू बातें हैं भैया, इन बातों में क्या लेना देना, क्या? ये सब चलता रहता है फालतू। कांग्रेस पार्टी महिलाओं का सम्मान नहीं है, कांग्रेस पार्टी ही महिलाओं का सम्मान करती है। आगे बढ़ेंगे खबरों में और बात करेंगे छत्तीसगढ़ की ही, जहां बीजेपी ने एक और पोस्टर जारी किया। पोस्टर में जांजगीर चांपा लोकसभा के कांग्रेस प्रत्याशी डॉक्टर शिव कुमार डहरिया पर निशाना साधा है। पोस्टर में लिखा है रूप बदल लोगे, जगह बदल लोगे, लेकिन परिणाम नहीं बदलेगा। पोस्टर में आगे लिखा है हारने की नई जगह खोज लेता है टोटी चोर। जांजगीर का भगौड़ा, इस तरीके से शिव डहरिया के लिए बीजेपी ने पोस्टर जारी कर निशाना साधा और कहा कि हारने के लिए जगह बदल लेता है। और एक तस्वीर आप देख रहे हैं, ये कार्टून के जरिए निशाना साधा गया है। और अब खबर राजनांदगांव से आ रही है, जहां चुनाव ड्यूटी में लापरवाही पर कर्मचारियों को नोटिस भेजा गया है। 47 अधिकारियों और कर्मचारियों को नोटिस दिया गया है। जिला निर्वाचन कार्यालय ने 24 घंटे में जवाब मांगा है। 25 अप्रैल को मतदान ड्यूटी में जाने से इनकार किया था। निर्वाचन आयोग की गाइडलाइन के अनुसार अब एक्शन लिया जाएगा। चुनाव ड्यूटी में लापरवाही बरतने वाले कर्मचारियों पर एक्शन की बारी है। और साथ ही आपको बता दें कि कई ऐसे अधिकारी और कर्मचारी हैं जिनके तरफ से लापरवाही देखी गई थी, चुनाव ड्यूटी में लापरवाही देखी गई थी, और उन कर्मचारियों को नोटिस जारी किया गया है। और अब बात महासमुंद की करेंगे। बीजेपी जनपद अध्यक्ष के साथ मारपीट का मामला सामने आया है। यतेंद्र साहू के साथ मारपीट की गई, बीजेपी नेता की कार में तोड़फोड़ की गई। अवैध रेत परिवहन कर रहे हाइवा को रोककर उन्होंने पूछताछ की थी, जिसके बाद मारपीट हुई है। कोतवाली पुलिस ने दोनों पक्षों की शिकायत पर काउंटर रिपोर्ट दर्ज कर दी है।